हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 1 प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो समझ ही लिया है, अब इसके स्थानीय मानों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। हम अभ्यास 1A के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना अब सीखेंगे। बच्चों, जब हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी होती है तब हम उसको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जब बच्चों हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी होती है तब हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे हमें 5, 3, 8, 1 संख्या दी गई है तो इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या पहले 8, फिर उससे छोटी संख्या 5, फिर उससे छोटी संख्या 3, फिर सबसे छोटी संख्या 1, तो हमारी यह संख्या बन गई। ठीक है, जो चौथा प्रश्न है इसी अभ्यास का कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसी को लेंगे तो क्या संख्या बन जाएगी, 1, 2, 3। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे तब क्या बनेगी, 2, 1 और ये 3। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, 3, 1, 2। ठीक है, ये आई बात समझ में। अब ऐसे अब इसको लो, अब इसको लेंगे तो 2, 1 और ये वाला 3। ठीक है, अब इसको लेंगे 3, 2, 1। अब इसको लेंगे 1, 3, 2। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई ना। अब हम इस संख्या से लेंगे 3, 2, 1। अब बच्चों हमें काम करते करते क्या पता चला कि ये वाली संख्या तो हमारी पुनरावृत्ति में आ गई, ये पहले ही बन चुकी थी। इसका मतलब हमारी ये संख्या बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी और ये बनी। ठीक है बच्चों, अब इससे और अलग संख्याएं नहीं बन सकती हैं। ये पांचवा प्रश्न है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसको भी अब हम कैसे लिखेंगे, अब 0 अगर पहले लिख दें तो 3 अंकों की संख्या बनेगी नहीं, तो इसलिए अब हम इस 3 को पहले लिखेंगे, 0 इसके बाद फिर 5, ये संख्या हो गई। दूसरी अभिसंग को इसके साथ इसको ले लो, 3, 5, 0। ठीक है, अब हम इसके साथ लेना चाहते हैं तो 5, 0, 3। अब 5, 3, 0, अब इसके अलावा कोई और संख्या नहीं बन सकती है। ठीक है बच्चों, यही इनके आंसर है, एक ये संख्या, एक ये और एक ये। आई बात समझ में। अब बच्चों छठा प्रश्न है, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या हमने भी सीखा था कि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि घटते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7, 7 पहले लिखो, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर सबसे छोटा 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या के लिए अब हमें आरोही क्रम में लिखना होगा, इसका मतलब हमें सबसे छोटा अंक लेना होगा। तो इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन अगर हम 0 को पहले ले लेंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 3 अंकों की रह जाएगी, इसलिए अब हमें उससे बड़ा अंक लेना है ना। तो 5 है, अब हम 0 लगा देंगे, फिर इससे बड़ा अंक कौन सा है, 6, फिर उससे बड़ा अंक कौन सा है, 7। तो अब हमारे पास ये सबसे छोटी संख्या मिल गई। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब बच्चों सातवां प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है, 9। तो हम सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो 9 को 5 बार लिख देंगे। ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या,
तो अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो सबसे पहले तो मैं 1 लिखूंगी, इसके बाद में 4 जीरो लगा दूंगी, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी, और इसमें अगर मैं 1 आगे और लिख दूं तो वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब इस पर काम कैसे करेंगे वह भी समझते हैं। अब बच्चों जैसे कि 8वां प्रश्न है, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको देखेंगे, जैसे कि ये हमने समझ लिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 × 1000, तो कितना आया इसका स्थानीय मान 5000। इसको देखो ये क्या है मेरा सैकड़ा, तो 2 × 100, ये कितना हो गया 200। ये कितना है मेरा दहाई, तो क्या करेंगे 3 × 10, कितना हो गया ये मेरा 30। ये मेरा है इकाई 1 × 1, तो कितना हो गया 1 × 1। तो सभी के स्थानीय मान हमें पता चल गए, ठीक है बच्चों। अब 9वां प्रश्न है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा है, तो ये 6 × 100, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 600। अब ये वाला 6 हमें पता करना है, तो ये तो इकाई के स्थान पर है, तो 6 × 1 बराबर कितना हो गया 6 × 6, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब बच्चों 10वां प्रश्न है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे पहले, ये कितने स्थान पर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3 × 1000 कितना हो गया ये 3000। अब ये वाला सैकड़ी पर है तो 3 × 100, ये कितना हो गया 300। अब ये दहाई के स्थान पे है, तो ये कितना हो गया 3 × 10 बराबर 30। अब हम इनको जोड़ देंगे, ये 0 तो 0 आया, यहां पे ये 3 आ गया, यहां भी ये 3 आया, यहां भी ये 3 आया, तो इसका स्थान इसका योगफल कितना हो गया 3330, यही इसका आंसर है। अब है 11वां प्रश्न, 22222 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यही आ जाएगा, जैसे कि ये है 10000 पे, तो 2 × 10000 कितना हो जाएगा ये फिर 20000, ठीक है। ये है हमारा 1000 पे, तो 2 × 1000 ये कितना हो गया 2000। फिर ये है हमारा सैकड़े पे, तो 2 × 100, तो ये कितना हो गया 200। ये मेरा है दहाई पर, तो 2 × 10 बराबर कितना हो गया 20। ये है मेरा इकाई स्थान पे, तो 2 × 1 बराबर ये कितना हो गया 2। अब इनका जब मैं योग निकालूंगी तो ये 2, ये 2, ये वाला 2, ये 2, ये भी 2, तो क्या आंसर आया, जो ये था वही मेरा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 12वां प्रश्न है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े पर है, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया इसका स्थानीय मान 500। ये वाला इकाई पर है, तो 5 से जब गुणा करेंगे 1 की, तो कितना आ जाएगा 5। अब इसका अंतर मुझे निकालना है, तो 10 में से 5 गया 5, 9, ये कितना बचा 4, तो कितना आंसर आया
495, यही अंतर हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर हमारी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।